आइया भाई छी उगा हरी पकई रखा। नमस्कार साथियों, मैं हरे कृष्ण यादव। अभी आप लोग देख रहे हैं बिहार के नंबर वन चैनल मिथिला दर्शन धाकड़ न्यूज। अभी बिहार के मधुबनी जिला के लदनिया प्रखंड के लदनिया थाना क्षेत्र के बरहा गांव वार्ड नंबर 2 है। देख लीजिए ध्यान से, दिल्ली से चल के जयनगर आ रहे थे युवा। आप लोग ध्यान से सुनिए, ट्रेन का नाम है स्वतंत्रता सेनानी। मुजफ्फरपुर से पीछे वो गिर पड़ा या कैसे हुआ घटना हम नहीं बता पाएंगे। ट्रेन में उसको कट गया है मुरी। कैसे घटना हुआ आप लोग कुछ बता। के लिए ता कहल कैया भई छियौगा हरी पकई रखा। तब पौना के लिए ता कहलियौ हमारा कहाँ पहले सा कहै छेला कहल कई हम कहल यो कल आई गाड़ी पकड़ब ते हमरो नहीं पता चलल नहीं बुझे नहीं कुछ बता सके छे केना भले दुर्घटना नहीं भले कुछ समझ में नहीं आवे छे। हां पापा आवे छे बतौल कई गो हम ने बात के लिए हमरा कहल के जबे छी हो पापा हो बाबू आ बात कल के या ते के बाद में फ्रिज ऑफ भ गेले गिर पड़ले तखन से हुआ लगले बात। हाँ उठबे बात बजली। देखिए कुछ दिल्ली से आ रहे थे तो यहाँ पर घर पर फैमिली में किसी को बताए थे? देखिए हाँ पत्नी को बताए थे कि हम घर आने वाले हैं, ये जानकारी उनको पत्नी की थी। ये डेट हो गया तो इसका प्रशासन है पुलिस है वो कुछ को आप लोग को जानकारी दिए कैसे हुआ? देखिए पुलिस प्रशासन जो है क्या कहते हैं अनुमंडल जयनगर में जानकारी पुलिस प्रशासन के माध्यम से उनको दिया गया है ना, और वहाँ एक वीरेंद्र जी का लड़का है ना वहाँ अनुमंडल में काम करता है, ठीक है, HDO साहब का गाड़ी चलाते हैं, तो जान पर आइडेंटिटी कार्ड उनको मिला तो पूरा जानकारी मिल गई तो वो आए और हम लोग को जो है बताए। केना घटना भले कुछ बता सके छ को बता बहुत जो है जो परसों 17 तारीख को पता चला जो आ रहा है राम कुमार यादव और उसके बाद कल 18 तारीख को पता चला जो अभी तक नहीं आया तो उसको इंतजार में था। तब 11 बजे जो पता चला जो फलाने जगह मुजफ्फरपुर के नज़दीक में जो है सो लाश को पता चला तो यहाँ से गया आदमी उसको लाने के लिए। इसके बाद तो हमको इसके सिवा नहीं है कोई जानकारी। हाँ क्या बाबा आप कुछ बता सकते हैं? वही बात है जो मतलब 17 तारीख को तो अथी हुआ मतलब एक्सीडेंट वहाँ पर हुआ, अब फिर हम लोग कल मतलब उसको 11 बजे के बाद में हम लोग को पता लगा जो मतलब लाश यहाँ पर है तो हम लोग गए वहाँ से लाश को उठा करके लाए। आप गए थे वहाँ? हमारा भतीजा गया था। तो जानते हैं ग्रामीण लोग का क्या मांग है सरकार से, आप लोग का क्या सरकार से क्या मांग है? देखिए सरकार से मांग यही है जो स्थिति है आप देख रहे हैं, आप आए हैं इस गाँव में देख रहे हैं कि 35 साल उम्र था उस लड़का का और ये देख रहे हैं दो लड़का है जो सामने में है, एक बच्चिया उनको है बहुत छोटे छोटे बच्चा है, वो लड़का कमाने खटाने वाला था और वही लड़का कमा करके बाल बच्चा को भरण पोषण कर रहा था, आज तो वो नहीं है। यह घटना दुखद है ना,
ऐसी घटना किसी के साथ न घटे, सबसे पहले तो हम लोग भगवान से ही कामना करते हैं। और हम समस्त यहाँ के परिवार के लोग, हम लोग यही सांत्वना देते हैं कि भाई भगवान इनको ताकत दे, शक्ति दे कि यह बहुत यह घटना को सहने की ताकत इनको मिले, परमात्मा से ही हम लोग कामना करते हैं। साथ ही साथ हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि यह जो घटना है, यह घटना बार बार घटती है ना, आप भी बोले हैं कि यह सरकार जो है निकम्मी सरकार है, यह सरकार के शासन में हमेशा लूट भ्रष्टाचार सब तरह के घटना घटती है, यह घटना जनता के आम आमाब के लिए बढ़िया नहीं है, अच्छी नहीं है या अच्छी निशानी नहीं है, यह सब लोग जानते हैं। फिर भी हम सरकार से मांग करते हैं कि यह राम कुमार जी को जो पत्नी विधवा हो गई है, दो बच्चा है एक बच्चिया है, इनके लिए हम लोग का मांग है कि इन लोगों को अधिक से कम इनका जो भरण पोषण हो इनके लिए मदद मिलना चाहिए है ना। हम लोग को यही कहना है कि आप लोग भी इस न्यूज़ को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, पहुंचाइए ताकि यह बात सरकार तक पहुंचे और यह इस परिवार को, इस बच्चे के लिए कुछ सरकार सोचे और इनका अनुदान मिलना चाहिए। क्या भाई आप कुछ बता सकते हैं? यहाँ का तो हम नेपाल का है, हमको यहाँ का तो कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, लेकिन घटना तो हुआ है, आप भी देख रहे हैं, मतलब यहाँ का सब देख रहे हैं, घटना हुआ है। हम यही बात बोलते हैं कि तीन ठो बच्चा है ना, उसका कुछ ना कुछ सरकार को तो देख लेना चाहिए, उसी हिसाब से आप लोग तो देखिए उसमें घटना तो हुई है। क्या बाबा क्या नाम है? हाँ बताए हैं, इस लोग सही बताए हैं, जो बच्चा जो है अखन जो इसका पिताजी डेट कर गए तो इसका तो मिलना चाहिए सहारा, सरकार से वही मांग है कि इसका बहुत से बहुत देख रेख में रखे और सरकार इसका मदद करे। छोटा बच्चा है जिसको लीड कॉपी हाथ में चाहिए, उसके गला में उतरी है, देखिए उतरी है गला में, बच्चा के गला में कितना छोटा बच्चा है आप लोग देख सकते हैं। एक माँ को विधवा हो गया है इसका माँ, कैसे हालत है सभी परिवार का, मगर यहाँ का प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, कभी भी नहीं। यहाँ का सुशासन के राज में यही होता है, कभी कुछ नहीं कर रहा है। देखिए कैसे पूरा परिवार रो रो के हाल है, कैसे हाल है देख लीजिए पूरे परिवार का, मगर कैसे घटना हुआ अभी तक कोई बता नहीं पाया है। हम जानते हैं ग्रामीण से, दो तीन ग्रामीण यहाँ से गए थे घटना स्थल पर, हम जानते हैं वहाँ पर क्या बताया और कैसे वहाँ पर बताया कैसे घटना हुआ है और कौन सी थाना में थे और कहाँ पोस्टमार्टम हुआ है। हम ग्रामीण से जानते हैं, यहाँ से दो चार ग्रामीण वहाँ मुजफ्फरपुर गए थे, आप सर गए थे वहाँ पर, कहाँ पोस्टमार्टम हुआ था? पोस्टमार्टम सर ये हुआ था मुजफ्फरपुर में, ये कृष्णा ये करके वो हॉस्पिटल है, वो सरकारी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर गए, वहाँ पे है ना पहले ही पोस्टमार्टम कर दिया था, हम लोग को जानकारी भी नहीं करा कि अब वो पोस्टमार्टम करे या ना करे, कर दिया। इसके बाद हम लोग को बोला कि पोस्टमार्टम कर दे, तो हम लोग को बोला अभी रुकिए हम लोग आ रहे हैं, उस लीजिए अभी करवा लीजिए नहीं तो डॉक्टर निकल जाएगा। हम लोग का कोई वहाँ पर है ना कुछ नहीं वो करा। इसके बाद हम लोग वहाँ से किसी तरह से काम वाम करके पैसा वैसा दे के फिर हम लोग घर आए। वहाँ पर कौन से हॉस्पिटल में थे? हॉस्पिटल का नाम पूरा हमको इतना ध्यान नहीं, हमने बता रहे ये कृष्णा पीए ऐसे पीएच गवर्नमेंट ही वो है। वहाँ का प्रशासन क्या बताए? वहाँ का कुछ प्रशासन तो कुछ भी नहीं, बस को रहा है, होली का टाइम है कोई भी नहीं है, बस सब अपना अपना टाइम में सब का। हाँ बस इतना ये बात हो, हम लोग लेकिन केयर कोई नहीं किया, प्रशासन कुछ भी नहीं किया, हम लोग डीएसपी एसपी कुछ भी नहीं, डीएसपी बड़ा पद यहाँ पे कोई वहाँ पे जिम्मेदार भी नहीं था, जिम्मेदार भी नहीं था। कैसे घटना घटी कुछ नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं है, कुछ भी जानकारी हम लोग सिर्फ मोबाइल पे हम लोग को मैसेज आया कि यह आदमी के नाम से है, इस हॉस्पिटल में है ना, उसको वो पोस्टमार्टम के लिए रखा हुआ है, आप लोग आइए ले जाइए लाश को, बस इतना बात हुआ। कोई जानकारी और नहीं। बाकी उस लाश के साथ क्या हुआ नहीं हुआ वो हम लोग को कुछ भी पता नहीं। क्या आप लोग का सरकार से क्या मांग है? सरकार से ही मांग है कि बच्चे हैं छोटे छोटे, इनका परवरिश के लिए सरकार कुछ करे, ठीक है, कैसे इन लोग बच्चे को भविष्य का उज्जवल होगा। रेलवे प्रशासन की भी कमी है ना यहाँ पे, वहाँ रेलवे का भी प्रशासन की कमी है, जब उस घटना पे हुआ तो रेलवे के अंडर का चीज हो गया है, रेलवे के और कहाँ से फिर कहाँ चला गया उसका कुछ भी पता नहीं हम लोगों को। हम सरकार से यही है कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनका, उनके भविष्य के लिए कुछ मदद चाहिए। सरकार दोषी है।
देखिए यहाँ का रेलवे प्रशासन है वो भी कुछ नहीं कर पाए, कैसे घटना घटी वो भी नहीं बता पाए। यहाँ का ग्रामीण गए थे वहाँ पर, वो प्रशासन वहाँ का DSP SP कोई भी है, कुछ जानकारी नहीं दिया वहाँ का। सिर्फ हॉस्पिटल गए, पोस्टमार्टम कर दिए थे, ये लोग गए थे, दे दिए वर्दी, आ गए लोग, पैसा और जो लगा दे दिए उसको, हॉस्पिटल में आ गए। मगर प्रशासन वहाँ का है, DSP SP कोई नहीं कुछ बताया, रेलवे डिपार्टमेंट से कोई नहीं कुछ बताया। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा दोखी कोई माना जाता है तो यहाँ का सरकार माना जाता है, नीतीश कुमार को हम सबसे बड़ा दोखी, क्योंकि ऐसे प्रशासन को रखता क्यों है, ऐसे डिपार्टमेंट के रखता है क्यों नीतीश कुमार, ऐसे डिपार्टमेंट को तो हटा देना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए ऐसे DSP को, अभी तक कुछ नहीं पता है, हाँ? ऐसे DSP को संन्यास ले लेना चाहिए, SSP को। एक चीज़ हम आपसे पूछने चाहते हैं, कोई रेलवे डिपार्टमेंट से आए वो कुछ आपको जानकारी दी है? रेलवे से हमारे पास कोई जानकारी नहीं आया, सिर्फ मगर थाना से जानकारी आया। थाना से क्या जानकारी? थाना से जानकारी कहाँ पे आया सर? वहाँ का है, DSP SP कोई नहीं कुछ बताया, रेलवे डिपार्टमेंट से कोई नहीं कुछ बताया। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा दोखी कोई माना जाता है तो यहाँ का सरकार माना जाता है, नीतीश कुमार को हम सबसे बड़ा दोखी, क्योंकि ऐसे प्रशासन को रखता क्यों है, ऐसे डिपार्टमेंट के रखता है क्यों नीतीश कुमार, ऐसे डिपार्टमेंट से को तो हटा देना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए ऐसे DSP को, अभी तक कुछ नहीं पता है, हाँ? ऐसे DSP को संन्यास ले लेना चाहिए, SSP को।